हेलो गाइस, तो गाइस आप लोग अभिनव अरोड़ा को तो जानते होंगे जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं और ये हिंदू धर्म के बारे में बातें करते रहते हैं और हाल में सोशल मीडिया पे इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। अब इनको लेकर के एलवी शादो ने अपने ब्लॉग वीडियो में रिएक्शन दिया है और ये रियल है या फिर फेक है, इनको लेकर के बहुत बड़ी बात कही है। तो एलवी शादो ने क्या कहा है, चलिए मैं आप लोग को उनके ब्लॉग वीडियो का वो पार्ट दिखाता हूँ। अपनी अपनी राय, इसमें मेरी राय पता क्या है, मतलब जितना मैंने नोटिस करा, मेरी राय ये है कि हर चीज़ की एक उम्र होती है, यू नो क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब इट्स वेरी गुड ही सपोर्टिंग हिज रिलीजन बट दिस इज नॉट द राइट एज ये सब करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कर रहा है। नो डाउट ही सपोर्टिंग आवर रिलीजन, ही शोइंग आवर रिलीजन इन अ गुड वे, और गौ माता की सेवा करनी हो गई या फिर जो भी रील्स मैंने देखी, ठीक है, इट्स गुड, बट उसको अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। वो ये सब कर सकता है, मतलब अपने घर में जोत बाल सकता है, घर में पूजा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, सब रिलीजियस होते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा पोर्ट्रे करा जा रहा है हमारे आगे कि ही गॉट सम पावर्स, ही गॉट सम कनेक्शन विद द गॉड, ही इज वेरी रिलीजियस, जो कि मुझे लगता नहीं कि असलियत में वो उतना होगा, और अगर हो भी तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बट उसको इस टाइम पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने करियर सेट करने पे, और रिलीजियस भी हो सकता है साइड बाय साइड, बट नॉट इतना कि पूरी जिंदगी अपनी उसी में डाल दी, क्योंकि इतना छोटे बच्चे की लाइफ आप उससे छीन रहे हो, उसका बचपन है, उसका स्कूल लाइफ है, उसकी आगे चढ़ के कॉलेज लाइफ है, तो वो चीज़ें उससे छीनी जा रही है। देखो मेरा ओपिनियन है, उसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो ये सब करे, उसको मेरे हिसाब से उसके फादर बता रहे हैं, मदर बता रही है, तो मेरा ओपिनियन ये है और उसकी सलाह भी है उसके माँ बाप को कि भाई अभी यार वो बच्चा है, उसकी एज है, हमने भी अपना बचपन इंजॉय करा, स्कूल गए हैं, हमारा करा ना, तो वो उसका वो चीज़ मत मारो यार इस चीज़ में। और ना जो ट्रोलिंग हो रही है, जो गाली खा रहा है, वो उसके लिए सही नहीं है, उस एज ग्रुप के लिए सही नहीं है। अब जैसे मान लो मैं गाली खा रहा हूँ, आशीष गाली खा रहा है, भाई ने अब गाली खानी शुरू कर दी, स्टार्ट ही कर रहा हूँ, दिवाली के गिफ्ट ही मिल रहे पूरे पटाखे, भाई गाली खा रहे हैं, बताओ, तो हम लोग झेल सकते हैं। मतलब मान लो कभी उसमें दिमाग आए, वो पढ़े, वो खुद भी पढ़ता होगा, मेरे हिसाब से पता नहीं कैसा फील होता होगा उसको कि कोई उसको माँ बहन की गाली बकरा होगा, बाप ये माँ ये ऐसे ऐसे गाली बकरे, तो इट्स नॉट राइट। तो उसकी फैमिली को मेरे हिसाब से ये स्टेप लेना चाहिए कि उससे ये सब ना करवाएं, और जो उसकी एज के लिए जो चीज सही है वो चीज उससे कराएं, ये मेरा पीओवी है। तो यहाँ पर दोस्तों एलवी शादो ने अभिनव अरोड़ा को लेकर के ये कहा कि अभी इसको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, इन सभी चीजों में अभी इसको नहीं पढ़ना चाहिए, एक उम्र होती है इन सब चीजों के बारे में बात करने की और इन सब में पढ़ने की। बाकी एलवी शादो ने यहाँ पर जो कुछ कहा इसको लेकर के आप लोग का क्या ओपिनियन है, क्या एलवी शादो ने सही कहा या गलत कहा, इस बारे में आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ।